हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक दोस्तों फिर आपके अपने ज्ञानम कोचिंग सेंटर कुशीनगर के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आप सभी के हमारे टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे कमेंट्स आए, काफ़ी लोगों ने अपने रिजल्ट जो है हमारे व्हाट्सएप पे सेंड करके भेजे भी कि सर मेरा इतना नंबर है, इतनी इतनी रैंक आई हुई है, क्या हमें कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस तरह की बहुत सारी तमाम बातें इन्होंने पूछी कि सर मैं हैंडीकैप्ड हूँ, विदाउट हैंडीकैप्ड हूँ, या मैं ओबीसी में हूँ, जनरल में हूँ, एससी में, एसटी में हूँ। बहुत सारे तमाम प्रश्न टेलीग्राम से हमारे जुड़े हुए सभी हमारे मित्रों ने किया कि हमें जो है राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज सर किस तरह मिलेगा, कैसे मिलेगा, हम कैसे काउंसलिंग करें। आज मैं उसी काउंसलिंग के बारे में डीपली आपको सही से नॉलेज देने वाला हूँ कि कैसे आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज, वो भी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज आपको मिलेगा। और इसके साथ हम एक वीडियो और बनाएंगे, इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें कौन कौन से दस्तावेज डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके बारे में दोस्तों बनाएंगे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहीं पे बगल में एक बेल आइकन का बटन होगा उसे प्रेस कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। और फ्रेंड्स, लाइक शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं आते हैं अपने टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है यूपी पॉलिटेक्निक। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020, इसमें जो काउंसलिंग की बात चल रही है कि रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और काउंसलिंग की यहां पर बात चल रही है कि काउंसलिंग की बार बार यहां पर बात चल रही है कि काउंसलिंग कैसे किया जाएगा। सर मेरा नंबर एक रैंक आया हुआ है, सर मेरा 43 नंबर है, सर 60 है, 90 है। बहुत सारे हमारे टेलीग्राम चैनल से भाइयों बहनों ने जो है कुछ ना कुछ अपने अपने नंबर रैंक हमें बताए कि सर हमारा 5000 रैंक है, हमें कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। सबके मन में जो सस्पेंस है फ्रेंड्स, एक तो बिल्कुल खुश हो जाइए कि आपको कहीं ना कहीं कॉलेज मिलने वाला है और बेहतर कॉलेज मिलने वाला है, वो उसकी जानकारी हम पूरी डिटेल में आपको देने वाले हैं। तो आइए ले चलता हूं मैं आपको पॉलिटेक्निक काउंसलिंग की तरफ। ध्यान से, बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि मेरी बातों को आप ध्यान से समझेंगे। हमारे देखिए पॉलिटेक्निक के रिजल्ट के कुछ स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट, रिजल्ट डिक्लेयर। सबसे पहला है हमारा रिजल्ट डिक्लेयर। मैं यहां पे बात कर दूं, थोड़ा पॉज कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था यहां पे कुछ प्रोसेस होती है हमारे काउंसलिंग की, आज मैं वही सारे प्रोसेस आपको डिस्कस करने वाला हूं। देखिए हमारे ये सारे काउंसलिंग में हमारा पहला जो प्रोसेस होता है रिजल्ट डिक्लेयर का। रिजल्ट डिक्लेयर, जैसा कि आपका रिजल्ट कल आया, एक कल आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो गया कि आप जो है आपने 167 नंबर पाया है और आपकी रैंक जो है 25,000 समथिंग कुछ है। आपने ऐसा सोचा कि मान लीजिए आप किसी बच्चे का जो है 169 है और उनकी रैंक जो है 25,375 है, इस तरह की रैंक आ रही है। कुछ बच्चों के 116 नंबर है और उनकी रैंक आ रही है 28,474, इस तरह की रैंक आपको देखने को मिल रही है। तो ये आपका रिजल्ट रहा। मैं आपको बता दूं यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद हमारा एक दूसरा प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन में क्या करना होता है, सबसे पहले आपको अपने एप्लीकेशन नंबर या फिर रोल नंबर से रिलेटेड जाकर के हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे हमारा आता है तीसरी प्रोसेस आपकी, जिसमें आपको करना क्या है, फी पेमेंट करनी है। पहले क्या हो रहा था कि हमारे 3,000 रुपए की सिक्योरिटी फीस जमा होती थी, इस पर थोड़ा सा हमारे पॉलिटेक्निक के नियम में, कानून में जो है परिवर्तन आ गया है। इस पर ही सीट जैसे ही आपकी लॉक होती है आपकी पूरी फीस जमा करा ली जाएगी, यानी कि कम से कम जो है आपकी 11,000 रुपए जो है फीस, 11,000 रुपए सरकारी फीस जो है वो आपसे जमा करा ली जाएगी। जो 3,000 रुपए सिक्योरिटी फीस जमा हो रही थी इस पर शायद वो पहले नहीं ना जमा होकर के जैसे ही आपको सीट अलॉट हो रही है चॉइस फिलिंग के दौरान ही आपको 11,000 रुपए जो है पेमेंट करने होंगे। आपको एकदम नया बदलाव आया है कि आपको पूरे पैसे पहले जमा करने होंगे इस पर। तो
तो यहां मैं बात करूं चॉइस फिलिंग की। इसमें क्या होता है, आपका चौथा प्रोसेस है चॉइस फिलिंग का। इसमें आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको, जैसा कि 30 तारीख यानी कल आपकी जो है चॉइस फिलिंग का ऑप्शन कल आपका साइड आ जाएगा कि इतने रैंक वाले बच्चे यहाँ से यहाँ तक के रैंक के जो है वो अपनी काउंसलिंग इस डेट को करेंगे, सेकंड राउंड वाले इस डेट को करेंगे, थर्ड राउंड वाले इस डेट को करेंगे, और स्पोर्ट काउंसलिंग जब होगी तब बताई जाएगी। तो चॉइस फिलिंग में क्या होता है कि आप अपने अपने कॉलेजेस चूज करते हो कि हम इस ब्रांच से इस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं। कोई कहता है हम बस्ती से जो है सिविल ब्रांच से पढ़ना चाहते हैं, गोरखपुर से हम इससे पढ़ना चाहते हैं, सहारनपुर से हम इस ब्रांच से पढ़ना चाहते हैं। सभी लोग अपनी अपनी चॉइस फिलिंग देते हैं। आप चाहे जितनी मर्जी चॉइस फिलिंग दे सकते हैं, चाहे एक दीजिए चाहे 100 दीजिए, वो आपकी मर्जी है। आप चाहे जिस ब्रांच से जितना कॉलेज आप दे सकते हैं सरकारी के लिए। उसके बाद आती है चॉइस लॉग। फिर जैसे ही आप चॉइस फिलिंग कर लेते हैं, सारे कॉलेज आप सिलेक्ट कर लेते हैं, सारा कॉलेज सिलेक्ट करने के बाद आपसे लास्ट में पूछा जाता है कि आप क्या आर यू एग्री विथ मी, यानी सीधा पूछा जाता है कि क्या आप सहमत हैं अपनी चॉइस फिलिंग से। यदि आप सहमत हैं तो आपकी जो है चॉइस को लॉक कर दिया जाए, अन्यथा आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो पांचवा जो प्रोसेस है चॉइस लॉक का, तो चॉइस लॉक जैसे ही आप कर देते हैं, चॉइस लॉक करने के बाद तुरंत 2 से 3 दिन बाद, फ्रेंड 2 से 3 दिन के बाद, कम से कम 2 से 3 दिन के बाद आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाता है। और आपकी यहाँ पे सीट अलॉटमेंट जो रिजल्ट आती है, आपको बताया जाता है कि आपको जो है आपने जो चुना है, फ्रेंड्स आपने जितने कॉलेज के लिस्ट जो है आपने अपने काउंसलिंग में चूज किया था, यानी कहने का मतलब ये है मेरा, जैसे मान लीजिए आपने पहले बस्ती चूज किया, बस्ती के बाद गोंडा चूज किया, और गोंडा के बाद गोरखपुर चूज किया, इसके बाद सहारनपुर चूज कर लिया। तो कहने का मतलब है आपने मान लीजिए यहाँ सिविल से लिया था, यहाँ इलेक्ट्रिकल लिया था, और गोरखपुर में आपने सीएस से कह दिया, और सहारनपुर में आपने इलेक्ट्रॉनिक से बोल दिया। तो क्या होता है कि आपके आपके चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग, यानी सबसे पहले आप जो कॉलेज जिस जहां पर सिलेक्ट करेंगे, काउंसलिंग का जो शेड्यूल होता है, जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आता है, वो आपके रैंक के हिसाब से होती है, ना कि आपके मार्क्स के हिसाब से। तो आपके जितना आप रैंक पाए होंगे, उस रैंक के अनुसार जो कॉलेज आपको लाइन से सुटेबल, गवर्नमेंट को लगेगा कि आपका आपके रैंक के हिसाब से ये कॉलेज आपके लिए सूट है, या फिर आपने जो ब्रांच चुनी है ये सही है, तो आप जिसके काबिल रहेंगे आपके लाइन से, यदि हो सकता है आपको इन तीनों में चांस ना मिले, तो पक्का जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में सहारनपुर के लिए आपको चुन लिया जा सकता है। ये ऐसा हो सकता है, आप यहां से जान सकते हैं। तो ऐसा है कि पॉलिटेक्निक की जो भी काउंसलिंग होगी, आपको जो सीट अलॉट की जाएगी, आपके द्वारा भरे गए चॉइस फिलिंग कॉलेज के आधार पे ही होगी। आपने जो सबसे पहले किया होगा, सबसे पहले के हिसाब से स्टोरेज, इनसफिशिएंट स्टोरेज स्पेस, बंद करना सर, लिख रहा कुछ आ नहीं रहा, बंद करने नहीं आ रहा, रिकॉर्डिंग होने लग रहा है। मैं बात कर रहा था यहाँ पे सीट अलॉटमेंट की। तो मैंने कहा कि सीट अलॉटमेंट जो रिजल्ट आपका मिलता है, वो आपके द्वारा आपको अलॉट जब कर देता है कि आपको ये कॉलेज इस जगह पर इस ब्रांच से फर्स्ट सीट या सेकंड सीट जो भी आपको मिली है वो आपको अलॉट कर दिया था। फिर आपका आता है सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, वहां से आप प्रिंट आउट निकालते हैं, सीट लॉकिंग। अब यहाँ पे बात आती है सीट लॉकिंग की। यदि आपको सीट वो पसंद है, जैसे मान लीजिए आपको ये सीट, जैसे आपको उस बस्ती में मिल गया, कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपको बस्ती में मिल गया, बस्ती में अगर आपको सिविल ब्रांच मिल गई, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बस्ती में, बस्ती से मतलब क्या है कि बस्ती में मान लीजिए आपको सिविल ब्रांच मिल गई, बस्ती से सिविल ब्रांच आपको मिल गई, कहने का मेरा मतलब क्या हुआ कि सीट कंफर्म करने के लिए यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आता है, जो आप अक्सर बहुत से जो है बच्चे नहीं जानते हैं कि फ्लॉट का मतलब क्या होता है, फ्रीज। यहाँ पे देखिए दो शब्द है, फ्लोट और एक नाम सुना होगा आपने फ्रीज, फ्रीज, एक फ्लोट और फ्रीज। देखिए फ्रीज का मतलब क्या होता है, यदि आप फ्रीज ऑप्शन सीट लॉकिंग के समय यदि आप फ्रीज ऑप्शन चुनते हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको जो कॉलेज मिला है, जहां पे अलॉट हुआ है, वही आपको ब्रांच अलॉट कर दी जाएगी, वही कॉलेज आपको मिल जाएगा, उसके अलावा आपको दूसरा कॉलेज नहीं मिलेगा, और आपकी सीट यहाँ पर कंफर्म हो जाएगी। लेकिन
यहाँ मैं बता दूं, एक फ्लोट ऑप्शन होता है फ्लोट। इस फ्लोट में क्या होता है, जैसे आपने फ्लोट कंडीशन चुनी, तो फ्लोट कंडीशन का मतलब ये होता है कि आपकी जो सीट है वो बस्ती में सिविल से वो वहीं पे ब्रेक हो जाएगी, और इसके बजाय फ्लोट कंडीशन में होने की वजह से आपको अगले काउंसलिंग में भाग लेने का मौका मिल जाएगा। जैसे आप अगली काउंसलिंग में भाग लेने का मौका मिल जाएगा, तो आप चाहें अगर आपको अगली काउंसलिंग में आपके मन पसंद का ब्रांच मिल जाता है तो आप इसे कैंसिल करके जो है आप नए काउंसलिंग में जा सकते हैं। अन्यथा मान लीजिए अगले काउंसलिंग में आपको नहीं मिलता है कॉलेज, तो आप वापस अपने बस्ती में सिविल से आ सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्लोट करने का फायदा होता है। आइए हम बताएं, यहां से लास्ट में यदि आपको पसंद आ गया तो आपको ब्रांच पसंद है तो सीट कंफर्म कर दी जाती है। इस तरह से मैं बताऊं कि आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग की जो प्रोसेस है ये सारी कंप्लीट हो जाती है फ्रेंड्स। अब मैं आपको यहां पे बताऊं कि कितने से कितने रैंक वाले बच्चे को कहां कॉलेज, किस तरह का कॉलेज मिलेगा, सरकारी कॉलेज किस तरह का मिलेगा, और कितने कॉलेज हैं हमारे यहाँ पर, उस कॉलेजेस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे। तो देखिए उसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा आपको थोड़ा सा। हाँ, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि मैं आपको बता दूं, हमारे टेलीग्राम से जुड़े हुए सभी मेरे प्रिय दोस्तों, गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा भी एक ऑप्शन होता है हमारे पास एडेड कॉलेज का, जो सहायता प्राप्त हेतु कॉलेज होता है। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि गवर्नमेंट कॉलेज हमारे यूपी में जो गवर्नमेंट कॉलेज है, देखिए जो राजकीय विद्यालय हैं वो टोटल 131 विद्यालय हैं, और जो महिला जो पॉलिटेक्निक है वो 19 है। टोटल देखेंगे फ्रेंड्स हमारे पास 150 पॉलिटेक्निक, वो भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं यूपी के अंदर, और जिसमें से 19 जो है महिला पॉलिटेक्निक है, और 131 जो है आपका राजकीय पॉलिटेक्निक है पुरुष। एडेड कॉलेज की बात करें तो एडेड कॉलेज 17 एडेड कॉलेज हैं राजकीय, और 2 कॉलेज हैं महिला, टोटल 19 कॉलेज हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की फीस जो होती है नॉर्मल आपके समथिंग 12,000 रुपए तक हो जाती है, और मैं एडेड कॉलेज की बात करूं तो इसकी फीस समथिंग 18,000 से 20,000 रुपए तक हो जाती है। इसकी एक साल की फीस होती है आपकी 12,000 रुपए से लेकर 18,000 से यहां से लेकर 20,000 रुपए तक। तो यहां पे सबसे बड़ी चीज ये है कि कोई पूछ रहा था सर मेरा 74 नंबर है, कोई कह रहा सर 79 नंबर है, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं यहाँ पर नंबर से कुछ नहीं होने वाला, मार्क्स से कुछ नहीं होने वाला, अगर कुछ दोस्तों होने वाला है ना तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए आपके रैंक से होने वाला है, और रैंक से ही डिसाइड होगा कि आपको कौन सा कॉलेज पॉलिटेक्निक का वो भी गवर्नमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं इस बार बता दूं फ्रेंड्स एक सबसे बड़ी न्यूज आपको बता दूं, सबसे कम मार्क्स पर भी रैंक बहुत अच्छी बन के इस बार आ गई है। तो आपको सबसे बेहतर चीज बताऊं वो क्या है, आपको मैं सबसे बेहतर चीज बताऊं कि यहां पर पॉलिटेक्निक के लिए, पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के लिए आपको एक चीज बताऊं, यहां पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की बात मैं यहां पे कर रहा हूं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से रिलेटेड हमारे ग्रुप ए के लिए, जो ग्रुप ए हमारा लगभग 153,000 जो है 1,53,934 कॉलेजेस हैं हमारे यूपी के अंदर, सॉरी सीटें हैं, सीट्स अवेलेबल हैं जो आप प्राप्त कर सकते हैं। ये हर एक तरह के ब्रांच को मिला करके टोटल सीट है, आप यहां जान सकते हैं। वहीं मैं अगर ग्रुप ई की बात करूं, ग्रुप ई की बात करूं तो E1 और E2 आता है, आप जान पा रहे होंगे। तो यहाँ दोस्तों पूरे गवर्नमेंट में जो सीटें हमारी 58,758 सीटें हैं, यहाँ देख सकते हैं। और ग्रुप सी की यदि बात करूं, सभी बच्चे ग्रुप सी के भी कुछ लोग भरे थे तो मैं उनसे रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ, 1781 सीटें यहाँ पर हैं। और कुछ भाइयों ने ग्रुप के लिए भी पूछा था, तो ग्रुप के लिए मैं आपको यहाँ पे बता दूं
कि ग्रुप के के लिए 11,807 सीटें हैं सरकारी, जिसमें आपको मिल जाता है। तो ग्रुप के वाले भाई, उसमें ये कहना चाहूंगा, अगर किसी की रैंक जो है 2000 के अंडर में है या 3000 समथिंग है, तो वो काउंसलिंग जरूर कराएं, मे बी उन्हें मिल सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कंफर्म मिल जाएगा, मिल सकता है उन्हें। और इवन में देख लीजिए, आप 58 के आसपास में है, तो कहीं ना कहीं इनके कैटेगरी के रैंक के हिसाब से यदि आपके नंबर आते हैं तो आप कराएं। लेकिन ग्रुप ए वालों की बात मैं करूं तो वो बिल्कुल घबराए नहीं, क्योंकि उनके पास सीटें हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्रुप ए के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। सभी बच्चों को सरकारी कॉलेज मिल सकता है, जिनके नंबर 100 से कम है ना फ्रेंड्स, उनको भी सरकारी कॉलेज मिल सकता है, थर्ड काउंसलिंग तक, नहीं तो उनको लास्ट में स्पोर्ट काउंसलिंग में मिल जाता है। क्या होता है कि कई बार बहुत से लोग जो होते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे केवल एग्जाम देखने के लिए फेल कर देते हैं, एग्जाम देते हैं और लास्ट में जब सीट एडमिशन का टाइम आता है तो वो अपनी सीट छोड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हर कॉलेज में लास्ट में जाकर के जो है 15-20 सीटें जो है बच जाती हैं, हर कॉलेज में, हर ब्रांच से रिलेटेड जो है 10-5, 10-5, 15-20 सीटें बच जाती हैं, जो आपको स्पोर्ट काउंसलिंग का, बार बार मैं बेटा नाम ले रहा हूँ, स्पोर्ट काउंसलिंग में आप जाकर के जो है वहां से डायरेक्ट, जो कहते हैं डायरेक्ट ऑफलाइन एडमिशन, ना आपको चेक बनाने की जरूरत है ना कुछ भी, डायरेक्ट आपका स्कूल से संपर्क होगा। ये पहला सिस्टम होता है कि पहले आओ और पहले पाओ, जो पहले उस कॉलेज पर सबसे पहले पहुंचता है उसकी नोटिफिकेशन पहले मिलती है, उसको कॉलेज सबसे पहले अलर्ट होता है। वहां आपके रैंक के आधार पर भी आपको कॉलेज का चयन मिलता है कि आपको कौन सी ब्रांच देनी चाहिए। हाँ, ये है कि पहले अलर्ट होता है, लेकिन रैंक के आधार पर डिसाइड करते हैं विद्यालय के, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के सभी वक्तागण जो भी है वहां पर बैठे हुए काउंसलर, वो आपकी काउंसलिंग करते हैं। तो मैं यहाँ पे बता दूं, ग्रुप ए के लिए जो काउंसलिंग है, मैं रैंक वाइज, फ्रेंड्स रैंक वाइज जा रहा हूँ बताने के लिए। तो इस रैंक वाइज बताने के लिए दोस्तों, मैं फिर से एक बार पुनः आप कहूंगा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस पर पीछे बेल आइकन है दबा दीजिए, और उसके साथ लाइक शेयर और कमेंट करना फ्रेंड्स ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो इन चीजों से अभी वंचित हैं, वो नहीं जान पा रहे हैं कि कैसे काउंसलिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि मेरे ही थ्रू, लेकिन आप अपने हर एक सगे संबंधी